नमस्कार, ज्ञान वर्सेस अज्ञान में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला लखनऊ तहसील बीकेटी में। यहां पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है चंद्रा लान में। जैसा कि यहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, आइए जानते हैं कि वो सत्संग को क्यों ज्यादा लाइक करते हैं। हमारे साथ बने रहिए ज्ञान वर्सेस अज्ञान में। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? चंद्रिका प्रसाद दास। सर यहाँ पे किस महाराज जी का सत्संग चल रहा है? संत रामपाल महाराज जी का। तो आप क्यों सत्संग सुनने आते हैं, क्या कारण है? सब हमें सब कुछ बाहर सब कुछ सत्संग ज्ञान मिलता है, यहाँ पर ज्ञान मिलता है, भाई साहब बता रहे हैं ये। नमस्कार सर। सत साहब, किस प्रकार का ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज? शास्त्र अनुसार पूजा करने का जो है ज्ञान देते हैं। मालिक की दया है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सो बार है गुरु सुमरे सो पार। आखिर आज पूरा गुरु कौन हो सकता है आज दुनिया में, विश्व में? आज के समय में जो है संत रामपाल जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, और कोई है नहीं। एक दोहा बताया जाता है, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमरन तो सभी लोग करते हैं, आखिर ऐसा क्या है अलग आप लोगों में? जी, कलयुग बस सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लेंगे आप, तब आपको भक्ति विधि, तभी आप पार हो सकते हैं। नहीं, कहा जाता है राम राम लोग कहते हैं, यही हमारा मंत्र है, राधे राधे बोलते हैं, क्या ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है। जैसे भैंस खड़ी है, उसको दिन भर भैंस भैंस कहते रहो, वो भैंस हटेगी नहीं। जब उसको कहोगे उसका कोड भाषा है हट, तो वो गुरु महाराज ही हमारे देते हैं। कहा जाए अगर संत रामपाल जी महाराज जो कोड वर्ड देते हैं वो सच्चा भक्ति देते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी, सर यहाँ पे जो सत्संग के माध्यम से क्या भक्ति मार्ग बताया जा रहा है, किस प्रकार आप लोग भक्ति करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारम्बार, और जैसा तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुने लगता था। यानी ये मनुष्य जन्म इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है कि हमें ये जो जन्म मिलता है ना, ये केवल भक्ति करने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आते हैं। आज समाज में देखा जाए युवा जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे की लत में है, या गलत साधनाओं में पड़ा हुआ है, या घूमने फिरने में पड़ा है, लेकिन आप लोग युवा होते हुए इस सत्संग को सुनने आए संत रामपाल जी महाराज, क्या ऐसी बात अट्रैक्ट की आपको संत रामपाल जी महाराज की जो आप सत्संग में चले आते हैं? पहले तो सर जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, उसके अनुसार हमें ये ज्ञान हुआ कि जैसे दहेज लेना और देना होता है ये पूरी तरह से गलत है, और यह जो नशा है ये आजकल इतना नॉर्मल हो गया है ना कि मतलब हर छोटे छोटे बच्चे भी करने लगते हैं, जबकि नशा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, हमारी बॉडी को उतना ही लॉस करता है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं ताकि हम बुराइयों से बचें और नशा मुक्त भारत भी अपना हो, ये संत रामपाल जी महाराज का सपना भी है। जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे हमने प्रमाण जो पढ़ा है गरुड़ पुराण पृष्ठ 74 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति नशा करता है वो कुत्ते योनियों में जाता है, लेकिन आज पूरा संसार अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम नशा छोड़ दो, लेकिन वो आप पे नाराज हो जाता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि पहले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अगर हम नशा करते हैं ना तो उससे कई प्रकार के पाप लगते हैं, पाप नहीं महापाप होता है, और हमें उसका कष्ट भी भोगना पड़ता है, इसलिए नशे से बचना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जैसे अगर नाम दीक्षा ले लेंगे ना, भक्ति करने लग जाएंगे, जैसे नाम दीक्षा लेंगे वैसे उनका नशा छूट जाएगा। जैसा कि इनका कहना है जो श्रद्धालु हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के तो आपका नशा छूट जाएगा। आइए हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़े। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जो भक्ति मार्ग है, जो आज सत्संग है, आप लोग बहुत उसको बखूबी सत्संग को सुनते हैं, उस भक्ति मार्ग को करने के लिए प्रसिद्ध, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में आने के लिए, जो आप बता रहे हैं कि बहुत सही है? जी सर, हमारे गुरु जी सत्संग में बताते हैं कि सुरा पान मदमाशा हरि गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहब हैं जगदीशम। हमारे गुरु जी बताते हैं कि जो भी शराब या मदरा का सेवन करते हैं, जो पर स्त्री के साथ बदतमीजी करते हैं या भोग क्रिया करते हैं, उन्हें 70 जन्म ऐसे मिलते हैं जो अपने गला कटाना पड़ता है। तो परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो हमारी जीवात्माएं हैं, जो मनुष्य इस पृथ्वी पे है, वो भटके इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ना ही तो कोई ऐसा संत मिला और ना ही तो आज तक उन्हें कोई ऐसा ज्ञान मिला जिसको सुने और समझे और उस पर अध्ययन करके अपना जीवन व्यतीत करें। आज के समाज में जो युवा पीढ़ी है कहीं कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा हवाला देते हुए कि हम तो युवा हैं, हमको ये सब करना चाहिए, हमारा टाइम है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं कहीं वो ज्यादातर इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं जो व्यर्थ की चीजें हैं। बिल्कुल सर,
आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा ज्ञान हो चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जितना भी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, अभी तक कुछ वर्ष पहले हमारा ये सिस्टम था हमारे देश दुनिया में कि जो एक सभ्य इंसान या जो एक पढ़ा लिखा इंसान 10 लोगों को या 100 लोगों को जब बताता था तब वो इंसान करते थे, लेकिन आज के समय में हर एक बंदा शिक्षित है, हर एक इंसान पढ़ा लिखा हुआ है। इसलिए आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुन भी रहा है और समझ भी रहा है और उन्हें अपना गुरु बनाकर भक्ति भी कर रहा है। अभी हम लौटते हैं आपके प्रश्न को लेकर के, हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो नशे की लत में है, बुराइयों में फंसा हुआ है, वो परेशानियों में है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताते हैं, तो उस युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, एक बार उनको क्या बताना चाहेंगे आपको? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनना है। संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग सुनाते हैं उसमें बताते हैं कि जो नशा करते हैं ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, जब उसको सुनेंगे सत्संग को तभी आपको समझ पाएंगे कितना खतरनाक है और उससे आप नशा छोड़ सकते हैं। आज की अगर समाज की बात करें, चोरी बेईमानी ठगी रिश्वतखोरी चरम सीमा पे है, हालांकि तब भी उनका पेट नहीं भरता है, कहीं ना कहीं परेशानियों में भी रहते हैं, कहते हैं जो होगा देखी जाएगी, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या वो बाद में देख पाएंगे? जो रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, ये सब करते हैं, उसको अगले जन्म में इसे चोरी करते हैं तो ये अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। जैसा कि लोगों का मानना है, क्या अगला जन्म कभी होता है, क्या बताएंगे सर? जी अगला गुरु जी बताते हैं कि जो हमने इस जन्म में पुण्य किए होते हैं वो हमें अगले जन्म में किसी अन्य योनि में भोगने पड़ते हैं। जो हमारे दर्शक सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको इस बात का डिसीजन कैसे ले पाए कि पाप और पुण्य जो बुराइयां उससे कैसे बच पाएं, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस जो युवा पीढ़ी है अक्सर ये कहती है अगला जन्म किसने देखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर नमस्कार। हमारे गुरु जी बताते हैं कि प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। ये सत्य है कि हाँ हमारा या किसी भी जीवात्मा का पूर्व जन्म होता है, वो होता इसलिए क्योंकि हमने जो भी कर्म किए हैं या जो भी कुकर्म किए हैं उस हिसाब से विधाता के दरबार में जाने के बाद हमें अगली जोनी जो हमारी तैयार होती है उसमें हमें और आपको डाल दिया जाता है। ये मनुष्य का जन्म मालिक की दया से, हमारा कोई अच्छा एक ऐसा कर्म किया हुआ या कोई अच्छा पुण्य ऐसा होगा जिससे हमें आज मानुष का जन्म मिला और आज हम उसका लाभ भी उठा रहे हैं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, वो लास्ट में वो भगवान को ही याद करता है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आखिर भगवान की सही परिभाषा क्या है, आखिर किसको हम माने भगवान? बिल्कुल सर, परमात्मा एक ऐसा अंश या ऐसी एक आत्मा है जो कहते हैं हमारे गुरु जी बताते हैं परम आत्मा वही है जो भी ना ही किसी का कष्ट दे, ना ही तो किसी को रुलाए, ना ही तो किसी को बीमार करे। परम आत्मा मतलब परमात्मा का अर्थ यही है कि वो किसी भी अपनी जीव आत्मा को कभी दुखी ना करे, सुखी ही सुख दे। आज अगर संत रामपाल जी महाराज की अगर बात करें, कहीं ना कहीं मीडिया और सुर्खियों में छाए रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज की अगर बात करें, कहीं कहीं कई प्लेटफॉर्म पे उनके सत्संग और माध्यमों से बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इसके पीछे सर क्या रहस्य है? जी सर बिल्कुल, ब्रह्मा प्लस विष्णु और महेश के माता पिता हैं, ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारी गीता ज्ञानदाता भी बताता है, और संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी सत्संग हैं फेसबुक के माध्यम से देखें या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखें, उसमें हर एक एक सवाल जो भी मनुष्य के समय जो भी स्थिति में मनुष्य के अंदर सवाल उठते हैं आध्यात्मिक दुनिया को लेकर, हर एक उन सवालों के जवाब आप सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के सुनकर उसमें हर एक सवालों का जवाब पा सकते हैं। सर ज्ञान वर्सेस अज्ञान हमेशा इस बात के खोज में लगा रहता है कि आखिर वो परमात्मा निराकार है या साकार, आप लोग बता रहे हैं साकार, किस प्रकार से वो साकार है सर? जी सर बिल्कुल, परमात्मा साकार इसलिए है सर क्योंकि हमारे गुरु जी बताते हैं जब ये साकार ये पृथ्वी जिस अभी तक हम ये भी सुन रहे थे कि सब ईश्वर ने बनाया, सब गॉड ने बनाया, इस संसार को उसी ने बनाया, लेकिन यहाँ पर साकार दास इसलिए बोल रहा है या हमारे गुरु जी इसलिए बताते हैं कि जब साकार रूप संसार बनाया जा चुका है तो हमारा संसार बनाने वाला वो निराकार सर कैसे हो सकता है? इसका मतलब परमात्मा साकार है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। सर बार बार आप लोग हवाला देते हैं शास्त्रों और ज्ञान की, आखिर शास्त्र और ज्ञान का क्या किसी के पास ज्ञान नहीं? नहीं सर, ज्ञान है
आज के समय में ज्ञान हर किसी को है, लेकिन कहने का मतलब यह है आध्यात्मिक एक दुनिया ऐसी है जिसमें हर इंसान आज के समय में आध्यात्मिक से जुड़ना बहुत कम चाहता है, क्योंकि आध्यात्मिक एक ऐसी दुनिया है कि जिसे जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाया जा सकता है। लेकिन आज के इस भौतिक संसार में हर एक इंसान, कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई अपने कमाई से परेशान है, कोई घर की पीड़ाओं से परेशान है, इसलिए अगर किसी को अच्छी बात भी बताई जाती है ना सर, तो वो आपको ही गलत साबित कर देता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो बार बार आता है, कहीं कहीं उद्देश्य का भी पता चलता है कि संत रामपाल जी समाज में छाए रहते हैं, कि इस तरह के अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत इसी तरह बहुत सारे अनेकों उद्देश्य हैं, जैसे कि हमें दहेज मुक्त ब्याह के बारे में बताते हैं, और जैसे कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, और ऐसे भांति भांति प्रकार के हमारे गुरु जी के उद्देश्य हैं जिससे हम और सभी भगत भाई उस परमात्मा के मिशन में सहयोगी का कार्य कर रहे हैं और उसी तरह भक्ति भाव बढ़ाकर अपना लाभ भी उठा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे भगवान कौन है। भगवान परमेश्वर कबीर साहब जी जो चार युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत में डेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र में है, कलयुग में त्रेता नाम मुनिंद्र में, द्वापर में करुणा में कहे, कलयुग नाम कबीर है। कबीर परमेश्वर जी चार युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत में डेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर धरा है। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं जो परमेश्वर कबीर साहब जी की भक्ति सद्भक्ति बता रहे हैं। सर सद्भक्ति करने की बात कर रहे हैं बार बार, तो सद्भक्ति से जुड़ेंगे कैसे सर, हमारा सवाल है। सर साहब, अगर सद्भक्ति से जुड़ना है तो मालिक का सत्संग सुनिए, परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उस पर जो है एक पीली पट्टी आती है, नंबर आता है, उस पर आप कॉल करिए और भक्तों से संपर्क करिए। सर एक और आखिरी सवाल है, हमारे दर्शक हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, आखिर इनसे जुड़ने के लिए बहुत सारे उनको संघर्ष करना पड़ता है, क्या आसानी से किस प्रकार वो जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी चैनलों पे और अनेकों प्लेटफॉर्म पे उनके चैनल बने हुए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके, उस पर नंबर पीली पट्टी आती है, उस पर आप कांटेक्ट करके उन नंबरों पे कॉल करके आप वहाँ पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास जो नामदान सेंटर या सत्संग जहाँ पर भी होता है वहाँ आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सर एक और चीज़ें जानना चाहेंगे, सर जो संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में क्या आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। जी सर, यूट्यूब पर सतलोक आश्रम संत रामपाल जी, सतलोक आश्रम चैनल है यूट्यूब पर, और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पर चैनल है, उस पर आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन जाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से आप कहीं भी रहते हैं विश्व के देश में या कोने में, संत रामपाल जी महाराज का प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे साथ ज्ञान वर्सेस अज्ञान में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वह कांति में परमात्मा
संकल्प लिखा, कभी हमको कमी दे वो कमी दे, विद्युत के समान यानी विद्युत की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को मेरी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत्साधना करते हैं उनके सब उनका मूल के रस्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव, वो कबीर देव जैसे कबीर, अब कबीर कबीर देव हम सब कबीर देव मन परमेश्वर है और हम कबीर कबीर जो संस्कृतों के कबीर है कबीर कबीर देव जैसे रिंदे नंबर प्रभाव और शुक्र नंबर बीस का मंत्र नंबर एक कबीर के माध्यम से